थोड़ी सी इन बेजुबा जानवरों की थोड़ी बहुत सेवा कर दी जाए सुबह सुबह। ये काम आप लोगों को भी करना चाहिए, अगर आप ये मेरा व्लॉग देख रहे हो तो थोड़ा इनके लिए घर के बाहर पानी की टंकी ऐसे बनवा के रखें और गाय को चारा जरूर डालें डेली। वेडनेसडे को ये मॉक आते हैं तो गाइज आप जरूर लगाया करें। गाइज ये मैंने खीरा लगाई आंखों पर ताकि थोड़ी बहुत ठंडक मिले, क्योंकि तो यार सारे दिन भर स्क्रीन टाइम रहता है यार, क्या ही पता है, ऑल टाइम स्क्रीन टाइम, क्योंकि लैपटॉप में इतनी क्लासेस लेनी पड़ती है, मॉक लगाए तो स्क्रीन टाइम, मतलब पढ़ाई करने में तो आजकल स्क्रीन टाइम इतना हो गया कि आंखें दर्द करने लग जाती है, पानी आता है। उससे थोड़ी ठंडक के लिए आप जैसे बीच में पानी से धोते रहें या फिर ना खीरा वगैरह कुछ लगा लें आंखों पे, ऐसा थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करते रहा करो, क्योंकि अपनी हेल्थ अपनी बॉडी पार्ट्स का ध्यान रखना भी काफ़ी ज़रूरी रहता है। स्कोर ज़्यादा अच्छा रहा नहीं तो 43 ही रहा RRBPO के में, RRBPO का ये इसमें मेरे पॉइंट में 12 ही स्कोर आया और इसमें रीजनिंग में 31। क्वांट एक्चुअली पता नहीं मुझसे उस टाइम माइंड में क्या हुआ, हो ही नहीं रही, मतलब टाइम भी इतना जल्दी निकल गया, मैंने रीजनिंग में सारा टाइम खो दिया, मुझे पता ही नहीं चला और आई वॉज कन्फ्यूज। फिर मैं क्वांट में जो मुझसे हो पाया फटाक से जल्दी से वो मैंने किया, पता नहीं कैसे फंस गया मैं यार। अगली बार अच्छा करेंगे गाइज, आपका स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा मेरे को। तो गाइज मेरी 5 जून वाली करंट अफेयर्स की क्लास थी जो कि कम्प्लीट हो चुकी है और अब बच गए हैं शाम के 7। तो गाइज ये मैं आपको दिखाता हूँ मेरी 5 जून करंट अफेयर्स क्लास, मैं तो आशीष अरोड़ा सर की क्लास लेता हूँ क्योंकि मुझे इनका पैटर्न थोड़ा सही लगता है। बहुत से लोग कपिल काटपाल सर को भी फॉलो करते हैं बट मैं तो इनको प्रेफर करता हूँ, तो मैं इनकी क्लास लेता हूँ। ये मेरी क्लास हो गई है, बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है तो फिर बाहर चलते हैं। तो गाइज मैंने खाना खा लिया है और अभी हम बालकनी में घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और उसके बाद हम आज मंदिर में प्रोग्राम है तो वहाँ जाएंगे, आपको दिखाते हैं हमारे जैन धर्म का प्रोग्राम, एक्चुअली बख्तावर जी के पार्ट होने वाले हैं। जी हाँ तो गाइस जैसा कि आपने देखा मंदिर जाके आ चुके हैं और अब हम करते कपड़े चेंज, थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं, सारी बजाते गायब हो जाऊंगा मैं, कपड़े चेंज जाएंगे। तो गाइज हमने कपड़े चेंज कर लिए और अब हम थोड़ी बहुत स्टडी करेंगे क्योंकि रात के 10:30 तो वैसे ही बज चुके हैं, टाइम पहले ही हो चुका है, 10:30 तो बच गए हैं। अब थोड़ी बहुत पढ़ाई करके थोड़ा बहुत कुछ भी एक सेशन लगा लेंगे, कुछ वीडियो देख लेंगे या फिर कोई प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर सोएंगे। मम्मी का फोन आ चुका है क्योंकि मम्मी आ गई है नानी के से, तो अब हम ले रहे हैं इंग्लिश परफेक्शन की क्लास निमिषा मैम की, क्योंकि अब इंग्लिश पढ़े काफ़ी दिन हो गए, मतलब मम्मी आई नहीं थी ना, फ़ोन लेके गई थी तो परफेक्शन की क्लास ली नहीं थी, तो मिस हो रही थी। परफेक्शन की क्लास लेते हैं, एक परफेक्शन की क्लास लेके फिर थोड़ी देर मेरी आपको पता ही है बुक रीडिंग करके और फिर हम सोएंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया मैंने परफेक्शन की क्लास ले ली और उसके बाद थोड़ी सी क्विज वगैरह मतलब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वगैरह करके अब हम बुक रीडिंग करेंगे। बुक रीडिंग भी हमारी मतलब 2-3 पेज तो मैं कर लिया, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको, थोड़ी बहुत बुक रीडिंग करी मेरे को यार क्वांट में बहुत दिक्कत आ रही है, अरिथमेटिक में, अरिथमेटिक के क्वेश्चन करने में काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहे हैं, लेट्स सी इसका भी कोई सॉल्यूशन निकालेंगे और देखेंगे कि कैसे बेहतर रहता है, कैसे अच्छे से कर पाएंगे, लेट्स सी देखते हैं क्या रहता है। तो गाइज़ आप मुझे ज़रूर बताना कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रह रही है, क्या मेरी स्ट्रैटेजी सही है, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये 3-4 काम आप कर देना यार, और मुझे बताना आपका क्या स्कोर आ रहा है RRBPO में, RRB क्लर्क में, ये सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा और मेरा वीडियो कैसा लगा, ये तो बताना ही सही यार।